प्रयागराज में हुई हिंसा का कथित मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर पर आज बुलडोजर चलाया जाएगा। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PDA ने इसका नोटिस रात को ही चस्पा कर दिया है। नोटिस में घर को खाली करने को कहा गया है। PDA ने नोटिस में कार्रवाई का समय आज 11 बजे तय किया। घर में रहने वालों को सामान हटाने को भी कहा गया है। बता दें कि भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान पर प्रयागराज में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इसमें यूपी के प्रयागराज में जमकर बवाल मचा था। प्रयागराज के अटाला इलाके में हिंसक प्रदर्शनों में पथराव और तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने इस हिंसा के पीछे जावेद पंप का हाथ बताया है। प्रयागराज में हुई हिंसा के खिलाफ पुलिस ने यहां अब तक 96 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया और 5,000 लोगों पर केस दर्ज किया है। कई आरोपियों की क्राइम हिस्ट्री को देखते हुए उन्हें जेल भेज दिया है और कुछ से पूछताछ की जा रही है। आरोपी जावेद वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का प्रदेश महासचिव है। जावेद के नाम के आगे पंप लगाने को लेकर बताया गया है कि वह कभी टुल्लू पंप का काम करता था, जिसके कारण उसके नाम के बाद लोग उसे जावेद पंप कहने लगे।